गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोगों ने अभी तक पढ़ रहा था चैप्टर का नाम था हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट और ये हमारा उसका 7 पार्ट है, ठीक है। और हम लोग उसी के क्रम में जो उसके क्वेश्चंस हैं अब उसके आगे करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और फिर से आपको एक फिर से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वंडरफुल, और लिखा हुआ है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। हमें ये करना है, इसमें ये देखना है कि अगर ये हमारा ये वंडरफुल लिखा हुआ है, अगर इसको हम वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें, कहने का मतलब ये है कि जैसे चीज़ें हमारी ए से लेकर के जेड तक होती हैं, मतलब ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी डॉट डॉट करके जेड तक होगा, तो ये हमारा वर्णमाला का क्रम होता है। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर वर्णमाला के क्रम में इसको लिखा जाए तो जिस क्रम में ये लिखा गया है उसी क्रम में ऐसे कितने अक्षर होंगे या कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनका नंबर जहाँ पे है या जिनकी जिनका जो प्लेस है वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेंगे। तो फिर हम लोग लिखते हैं, फिर हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे पहले आता क्या है। वैसे सबसे पहले हमारा A आता है, लेकिन इसमें A तो कहीं है नहीं, बी सी डी, उसके बाद D आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे D, ठीक है, D डी के बाद आपका E आ जाएगा, ठीक है। E के बाद क्या आता है, F, F के बाद क्या आएगा, G H I J K L, L आएगा। L के बाद क्या आ जाएगा, M आएगा। M के बाद क्या आ जाएगा, N आएगा। N के बाद क्या आएगा, O, P आता है, Q आता है, R आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, S होगा, फिर T होगा, फिर U होगा और फिर V होगा, फिर W होगा। ये देखिए दोस्तों, एक बार हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, वो सही क्रम में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो पहले ही उसी जगह पर थे जिस जगह पर अभी हैं, ठीक है। तो W देखिए, यहाँ पे तो W था, अब यहाँ पे D हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे देखना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप ये देखिए, इसमें केवल एक वर्ड ऐसा है, एक वर्ड ऐसा है जो पहले भी 8th पोजीशन पे था और इस बार भी 8th ही पोजीशन पे था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले भी ये 8th पोजीशन इसकी 8th ही थी, यानी 8वें नंबर पे ही था, और इस बार भी ये क्या है, 8वें नंबर पर ही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फादर शब्द में कौन सा ऐसा अक्षर है जो उसी स्थान पर होगा जिस स्थान पर वह वर्णमाला में है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बताना हो कि फादर शब्द है, जैसे ये फादर लिखा हुआ है, तो ये हो गया फादर, एफ ए टी, एफ ए, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, एफ ए टी एच ई आर। अब ये फादर है, ठीक है, अब ये फादर है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उस जिस स्थान पर ये है, जैसे कि ये 1 पर है 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर आएगा जिस स्थान पर ये अभी प्रेजेंट टाइम में जिसकी यानी इस फादर वाले वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी स्थिति आपको बताना है। तो पहली चीज़ तो ये देख लेंगे, दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि हम इनका नंबरिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि एफ, एफ का मतलब क्या होता है, 6 होता है, ए 1, टी 20, एच 8 हो गया, ई 5 हो गया और 18 18 हो गया, ठीक है दोस्तों।
अब ये चीज़ें हो गई, इसके बाद क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो फादर हमारा लिखा हुआ है, ठीक, अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये इस क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप काउंट करना चाहें, जैसे कि होता है ए बी सी डी, डी मीन्स फोर्थ स्थान पे होता है, डी उसके बाद ई मतलब फाइव स्थान पे होता है, और एफ मतलब सिक्सटीन स्थान पे होता है, सिक्स स्थान पे होता है सॉरी, तो ये आप हमको बता दीजिए कि अब आपको क्या लग रहा है इसमें? फादर लिखा हुआ है, ये उसके नंबर्स हैं यानी किस पोजीशन पे है, उसका नंबर क्या है वो आपको लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये देखिए, अगर हम ए से जेड तक रीड करना शुरू कर दें, ए बी सी डी ई एफ, तो कहीं ना कहीं ई जो है आपका उसी स्थान पर आ रहा है जिस स्थान पर ये है। तो कहने का मतलब केवल इस पूरे शब्द में यानी फादर जो हमारा शब्द है, इसमें से केवल एक ऐसा अक्षर होगा जो उसी स्थान पर रहेगा, बाकी ऐसे कोई अक्षर नहीं है जो उसी स्थान पर आएंगे, क्योंकि आपको पता है ए पहले नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो अगर हम इसे काउंट करना चाहें ए बी सी डी ई, तो ई हमारा केवल ऐसा वर्ड है जो किस पे आएगा, पाँचवें नंबर पे आएगा, यहाँ भी पाँचवें नंबर पे आएगा, और इसमें भी वो पाँचवें नंबर पे ही है। तो आप बताइए कि इसमें से एक ही ऐसा वर्ड है जो ई है, ठीक है दोस्तों? तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि ई जो है आपका ऐसा नंबर है जो उसी नंबर उसी स्थान पर आएगा, बाकी सब कोई ऐसा नहीं है जो इसमें उसी स्थान पर आएगा, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट हमें ज़रूर करिएगा कहाँ से नहीं आ रहा है, फिर हम आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसमें मैं देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है, यानी जितने अभी तो एक ही प्रश्न, क्योंकि एक ही जगह है तो एक ही हमने लिखा है, इसके बाद अभी और आएंगे क्वेश्चन लिखने, बारी बारी लिखे जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, जोड़े का मतलब होता है युग्म, ठीक है, जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होती है। आपको ये बताना है कि जैसे ये हमारा लिखा हुआ है चेयर, चेयर्स लिखा हुआ है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने ऐसे मतलब युग्म बनेंगे या जोड़े बनेंगे जिसमें से ये पता चले कि जैसे जितने मतलब अगर ये लिख दिया जाए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो ठीक है दोस्तों, हम ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, सी। अगर हम इसमें देखें तो सी ऐसा लगता है कि आपको किसी क्रम में आएगा, सी डी ई एफ जी एच कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। एच से देखते हैं, एच आई जे के एल कोई नहीं आ रहा है, ए बी सी डी कोई नहीं आ रहा है, आई जे के एल कोई नहीं आ रहा है, आर एस, अब देखिए ये आर था, आर के जस्ट बाद एस आया है, और यहाँ भी आपको आर के जस्ट बाद एस आया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पेयर तो आपको मिल गया, एक जोड़ा तो आपको मिल गया कि जैसे वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, आर के बाद जस्ट एस आता है, वहाँ भी आर के बाद जस्ट एस आया है, तो एक पेयर तो आपको मिल गया। अब दूसरा, हम थोड़ा सा ये तो हमने सामने की ओर से देखा था, अब हम पीछे की ओर से देखेंगे, हो सकता है मिल जाए कोई। एस के बाद टी आएगा, यू वी डब्ल्यू कोई नहीं, आर के बाद एस टी यू वी कोई नहीं, आई के बाद जे एच, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे के एल कुछ नहीं आ रहा है, ए हाँ, अब ए बी सी, यहाँ देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी, बी के बाद सी। तो कहने का मतलब ये दूसरा जो पेयर है आपका यहाँ से मिलेगा कि ए के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद सी, यानी कहने का मतलब देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी, यानी हम दोनों तरफ से देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम सामने से ही देखेंगे, हम आगे से भी देख लेंगे और पीछे से भी उसको देख लेंगे कि ऐसा कोई पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद सी, तो कहने का मतलब ए बी सी, यानी दूसरा पेयर ये है। अब यहाँ से देख लेते हैं, एच सी कोई पेयर नहीं बन रहा है,
ना ही कोई उनका रिलेशन बन रहा है। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल दो पेयर ऐसे हैं, एक सी ए का बनेगा और दूसरा आर और एस का बनेगा। तो इसमें आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी सी डी। तो आपका जो आंसर सही होगा, जो ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही दिया है, तो क्वेश्चन में बस इतना कह रहा है कि ये जो वर्ड चेयर्स लिखा हुआ है, इसमें जितने भी वर्ड आए हैं, अगर इनको हम अंग्रेजी वर्ड वाला ही हमारा है, अगर इसमें देखा जाए ए से लेकर जेड के बीच में, तो ऐसे कितने हैं जो हूबहू ऐसे इसमें आ गए हैं जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसे ए के बाद बी आ जाता है, बी के बाद सी आ जाता है, सी के बाद डी आ जाता है, ऐसे करके इसमें कितने आए हैं, आर के बाद एस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आर के बाद एस आता है, तो वो तो हूबहू आ गया है, यानी वो चीज़ें मिल रही हैं इसमें आपको, बाकी और कहीं नहीं मिल रही, वो हमने आपको करके दिखा दिया है। और दूसरा यहाँ मिल रहा है कि ए बी सी, ए के बाद बी आता है, बी के जस्ट बाद सी आ जाता है, दूसरा ये मिलेगा। यानी एक बार हम सामने से देखेंगे, एक बार फिर से इसको उल्टा करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप दोनों तरफ से देखिए, बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आई हैं। ठीक है, आप अच्छे समझिए और इस पर हम दो तीन क्वेश्चन और करेंगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, और उसको देखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या है। ठीक है, इसमें ये देखते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इसमें तीन चार क्वेश्चन हैं और इसलिए वो क्वेश्चन जो आपको ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, क्योंकि वो चीज़ें अभी आपको फिर से मिलेंगी। ठीक है, तो अभी तीन चार क्वेश्चन हम इसमें करते हैं ताकि चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएँ, कोई डाउट ना रहे। फिर से इसमें यही बताना है कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में इसको देखेंगे तो ऐसा कौन सा जो होगा पेयर होगा जो वैसे ही आएगा जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपका ए है या आपका सी है, सी ए है, अगर सी डी ई एफ जी एच कोई रिलेशन किसी का नहीं बना, ए बी सी डी ई कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, आर एस टी यू किसी का नहीं बना है, आर एस टी देखिए पहला तो आपको यहाँ मिल गया, कैसे, अब आर के बाद एस, एस के बाद टी, यहाँ देखिए ये आर है, आर के बाद एस आया, एस के बाद टी आ गया, तो सेम एक चीज़ का यानी एक प्लेस का अंतर है या एक ही गैप है, एक ही अक्षर का गैप है, तो एक गैप का अक्षर आपको मिला आर के बाद एस, यहाँ एस होना चाहिए, एस के बाद टी, अब वो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, हाँ, तो आप ये देख लीजिए आर के बाद एस, एस के बाद टी, ये हमें यहाँ मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि हमने तो सामने से देख लिया, एक बार पीछे से देख लेते हैं कि हो सकता है कुछ मिल जाए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ओ पी क्यू आर एस नहीं, आर एस टी यू नहीं, आर एस टी नहीं, ए बी सी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सामने से तो आपका एक पेयर बन जा रहा है लेकिन और कहीं से कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो इसमें हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पेयर बन रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल एक ही होगा। ठीक दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी अच्छे से देखते हैं, उसमें जहाँ डाउट हो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं उसी टाइप में, और ये देखते हैं कि यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए और आप खुद से कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप खुद से भी करिए और प्रयास करिए, देखिए कैसे होता है कि नहीं होता है आपसे। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है इसलिए हमने इसको लिया कि इसमें से आपको तीन चार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट, तो बस वही फंडा आपको अपनाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ए से जेड तक बस ए बी सी डी आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो उससे भी अच्छा तरीका एक है, आप नंबरिंग कर लीजिए सबकी। नंबरिंग का मतलब सी 3 1 18, ओ 15, पी 16, आर 18, ए 1, टी 20 और ये 5। तो अगर हम ये चीज़ देखें कि ए बी सी डी ऐसे हैं, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, तो हम देखिए क्रम कहाँ है, 15 16 दोनों साथ में आए, 15 16 साथ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 18 19 20 यहाँ ये साथ में आया, 18 19 20 ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो नहीं होना है, ठीक है,
अब ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि 18 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये 16 से लेकर के 14 के बीच में एक पेयर और बनेगा। 16, 17, 18, 19, 20, एक तो ये बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका कितना है, 20 है, ठीक है, 15, 16, 17, 18 अभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस पे होगा और अब किस पे नहीं होगा। ठीक है, इतना तो हमारा बन गया। अब थोड़ा सा वैसे भी एक बार हम देख लेते हैं, जैसे सी हुआ, डी ई एफ जी एच आई जे के, किसी का नहीं हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं हुआ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स किसी का नहीं हुआ, पी क्यू आर, एक तो ये बन जा रहा है आपका। अगर यहीं से देखेंगे तो ये भी बन रहा है आपका एक। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर एक बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ओ पी क्यू आर किसी का नहीं बन रहा है, आर एस टी एक और बन गया आपका। यानी एक पेयर हमें यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, आर एस टी। अब फिर देखिए ए बी सी नहीं बन रहा है, टी ई नहीं बन रहा है। अब उल्टे क्रम में हम देख लेते हैं, यानी सीधे में हम लोगों ने कितना देखा, एक ओ पी हुआ, पी ओ, कहने का मतलब इधर से जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे, अब ऐसे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी, ओ के बाद क्या आता है, पी, हमने कहा था ना हम लोग दोनों क्रम से देखेंगे, दोनों तरफ से। ठीक है, और दूसरा देखिए पी यहाँ है, क्यू आर एस टी, एक तो ये बन गया। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर हो रहा है वो चार पेयर बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, अगर हम लिखना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, पी और टी, पी और टी का एक पेयर बन जा रहा है आपका। ठीक है, दूसरा पेयर पी और ओ का बन जा रहा है, तीसरा पी और आर का बन जा रहा है, पी आर का, और एक बन रहा है आर और टी का, इसके बाद कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक दोस्तों, पी के बाद जितने भी गैप होंगे वो उसी में आएंगे जैसे उसमें दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। और आप देखिए यहाँ से कितने बन रहे हैं, तीन, तीन से अधिक, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हो जा रहा है, तो मतलब तीन से अधिक, यानी जो आपका आंसर होगा वो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छे समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और थोड़ा सा दूसरा टाइप है, चीज़ें आसान है, सब कुल मिला के वही है, बस थोड़ा सा वही अल्फ़ाबेट वाली चीज़ें हैं। आपको अच्छे से अगर अक्षर वर्ड ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, नंबर पता है उनका, सब कुछ पता है, तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, घुमा फिरा करके बस समझना है। अब इसमें आपको ये बताना है कि अगर हम इसको एक नंबर दे दें, अभी नंबर नहीं करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन समझाते हैं पहले एक बार अच्छे से। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, पहली चीज। शब्दकोश का मतलब क्या है, वही ए से लेकर के जेड तक, कुल मिला के सारी कहानी ए से जेड तक के ही बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन सा आएगा, मीन्स अगर हम इसको उसी क्रम में व्यवस्थित करें या उसको सेट करें, तो आपको ये बताना है कि अगर इसको हम सेट कर लेंगे तो कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे नंबर पर आएगा, कौन तीसरे नंबर पर आएगा और कौन चौथे नंबर पर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं और समझते हैं और फिर आपको खूब अच्छे समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक रबर, अब देखिए सब पहले तो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, रबर, रॉकेट, रैंडम एंड डस्टरेंट, तो सभी आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए अभी हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा नंबर पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर ये देखते हैं कि आप ये बता दीजिए हमको कि अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्योंकि आर तो सब में कॉमन है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद वाली पोजीशन पे देखते हैं, जैसे ओ ओ ए ई। अब आप हमको ये बता दीजिए कि इन सब में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप जानते हैं कि ए से ही सारा लेटर स्टार्ट होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ए से ही हमारा जो वर्णमाला है वो ए से ही स्टार्ट होती है, तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये पहले नंबर पर हो गया। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा,
फिर क्या आएगा, ई आएगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर जो हमारा है वो सेकंड पोजीशन पे होगा, ई आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या है, ओ है। अब दोनों में ओ है, फिर से एक समस्या कि पहली पोजीशन देखें, नहीं सब में तो कॉमन है, कैसे पता चला है। दूसरा देखें तो दूसरे नंबर पे ए सबसे पहले आता है, इसलिए ये तो पहले नंबर पे हो गया। अब इसको यहीं से छोड़ देते हैं। अब आ गया बात ए के बाद क्या आता है, अब ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। तो ई मिल गया तो ये सेकंड पोजीशन पे हो गया, इसका भी काम, यानी अब इन दोनों से कोई मतलब आपका नहीं रह गया है। अब बात आती है इन दोनों की। अब आर ओ, आर ओ, अब दोनों में ये दोनों कॉमन हो गए हैं। अब फिर से वही बात, फिर से हम कैसे पता करें कि हमारा फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी इसमें, कैसे पता करेंगे कि पहले कौन आएगा। तो आपको पता है दोस्तों कि ए के बाद बी ही आता है ना, और बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए अब यहाँ पे ये किस नंबर पे आ जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, ठीक दोस्तों। हम आपको फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, फिर समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि शब्दकोश, शब्दकोश मीन्स वर्णमाला जो हमारा होता है ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, के अनुसार सबसे अंत में कौन आएगा। अगर ये देखा जाए कि सबसे पहले हमारा ए आता है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करते करते फिर हमारा जेड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब जेड आ जाएगा तो वही ये पूछ रहा है कि अगर इस क्रम में इनको हम व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करने का मतलब आर तो सब में बराबर है, सभी में आर है, यानी मतलब इक्वल है, तो हम इसमें अब कंपेयर नहीं कर सकते कौन पहले पे आएगा कौन दूसरे पे आएगा, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे पे देखते हैं तो यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, और यहाँ पे ओ है। तो आप हमको ये बताइए दोस्तों कि पहले ए आएगा कि पहले ओ आएगा कि पहले ई आएगा, कॉमन सेंस यूज करिए। तो जाहिर सी बात है अगर पहले पोजीशन पे ये हम नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें से कौन सा होगा, तो हम दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं। दूसरी पोजीशन पे हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है हमारा पहले ए ही आता है, तो हमारा ए पहले आएगा तो ये फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब इन तीनों में कंपेयर की बात आ गई है, अब ए को हम वैसे छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए पहले ओ आएगा कि पहले ई आएगा, तो जाहिर सी बात है पहले ई आता है, तो इसको भी वहीं छोड़ देते हैं, ठीक दोस्तों। अब बात आती है इन दोनों की, यानी कहने का मतलब हम तब तक इनका कंपेयर करते रहेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि पोजीशन किसकी पहले होगी और किसकी बाद में होगी। अब यहाँ आर और ओ, अब दोनों चीज़ें मिलने स्टार्ट हो गई, तो अब बी से कंपेयर करेंगे, यहाँ बी है यहाँ सी है। आप हमको ये बता दीजिए कि पहले बी आता है अल्फाबेट में कि पहले सी आता है वर्णमाला में, तो जाहिर सी बात है पहले बी आएगा फिर सी आएगा। तो इसलिए दोस्तों ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा और ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे अंत में कौन आएगा, मतलब सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, समझ रहे हैं ना, सबसे पहले ए आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, और चौथे पे ये आएगा। तो सबसे अंत का मतलब जो चौथे पे आएगा, और चौथे पे क्या आ रहा है, चौथे पे आ रहा है दोस्तों आपका रॉकेट, आर ओ सी के ई टी, ये रॉकेट जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी, यही सबसे आखिरी नंबर पे आएगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, बट दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये देखते हैं उसी में दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि अगर पिछले में क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहा होगा तो इसमें डेफिनेटली है कि वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ वही है, बस फर्क इतना आ गया है कि उसमें आपको बताना था कि सबसे अंतिम अक्षर पर कौन होगा, यानी अंतिम प्लेस पर कौन सा होगा, और इसमें आपको ये बताना है कि तीसरे प्लेस पर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर से वही चीज़ हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अप्लाई तो पहले से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब में आप देखेंगे तो तीन वर्ड आपको कॉमन मिलेगा सभी में, जो कॉमन मिली है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए इसमें भी ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ये तीनों वर्ड आपको सब में कॉमन है, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे भी आर है। और आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अब बताइए कि ए से लेकर के जेड तक के बीच में पहले कौन आता है, ई आएगा कि एल आएगा कि आर आएगा कि आर तो है ही। तो दोस्तों आपको ये पता है कि सबसे पहले ई आएगा फिर एल आएगा, तो कहने का मतलब ये आपका तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, और हो गया तब इसको हम भूल भी जाएंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे और भूल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है फिर एल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आर आर है तो आर तो बाद में ही आता है, और यहाँ पे एल दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये आपका सेकंड पोजीशन पे ही आएगा।
और उसको भी हम भूल जाएंगे और इन दोनों से हम मतलब रखेंगे, ठीक है। मतलब ये रखेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आर मिल रहा है, यहाँ भी आर मिल जा रहा है, लेकिन आर के बाद देखिए यहाँ पे ई मिल रहा है और यहाँ पे ओ मिल रहा है। आप हमको ये चीज़ बता दीजिए कि ए यानी जो हमारा वर्णमाला होता है उसमें पहले ए आता है कि पहले ई आता है? तो दोस्तों इसमें पहले ई आएगा ना कि ओ आएगा, ठीक है। तो जब ई आएगा तो मतलब ये है कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा और ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, फिर कभी लाइव ले लिया जाएगा और सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन लाएंगे और हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका, और इसमें पूछ रहा है बस तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा अप्रेहेंड। अप्लाई था, अप्रिसिएट था, अप्रोप्रिएट था, अप्रेहेंड था। तो आपको ये बताना है कि वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं होगी, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हमें समझना है, ठीक है। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक वैसे होना नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये अप्रेहेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अप्रेहेंड है वो हमारा थर्ड नंबर पे वही आएगा अप्रेहेंड, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है और आपको भी ये चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी कि आप इसमें मैं यही बताना था कि तीसरे नंबर पे कौन होगा। तो फिर से एक बार आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सब में मिल क्या रहा चीज़ें रही हैं। तो आप ये बताइए, यहाँ पे ए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, सब में कॉमन ही है। तो ये बताइए कि उसके बाद क्या आने वाला है। तो ए डबल पी के बाद आप देख लीजिए, यहाँ ई है, यहाँ एल है, और यहाँ पर आर है, और यहाँ पर भी आर ही है। तो जाहिर सी बात है पहले अल्फ़ाबेट यानी जो हमारा वर्णमाला है उसमें सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, आर तो बाद में आएंगे। तो इन दोनों के बाद आप आर भी आ जाएगा, आर यहाँ यहाँ। तो अब देखना है कि पहले ई आता है कि पहले ओ आता है। तो पहले हमारा ई आएगा फिर ओ आएगा। तो दोस्तों तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जो तीसरे पोजीशन पे आएगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फोर। और उसकी जो लिखा हुआ है ए डबल पी आर ई एच ई एन डी अप्रेहेंड, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं, और आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, लाइव ले लिया जाएगा और आपके सारे डाउट्स उस दिन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा विनय सर की ये रीजनिंग की क्लास, और कैसे लग रही है आपको, अपने सुझावों को ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक ना। सारी क्लासें आपको मिलेंगी PVR स्टडी के चैनल नंबर 2 पर। अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी को Facebook पर ज़रूर फॉलो करें, और पेज को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना।